हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द फाइनल सॉल्यूशन के बारे में, जिसको लिखा है मनिक बंदोपाध्याय। मनिक जो है वो है एक इंडियन बंगाली जो कि पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड सेक्सुअलिटी के बारे में ज्यादातर लिखा करते थे। जब ये कहानी है अबाउट द ऑथर पहले देख लेते हैं। मनिक बंदोपाध्याय जो वो जो प्रोमिनेंट बंगाली राइटर एंड नोवेलिस्ट थे, उनका जन्म हुआ था मई 19, 1908 में दुमका एक विलेज में जो अभी झारखंड में है इंडिया में। उनका बर्थ नेम था प्रबोध कुमार बंदोपाध्याय, बट ही लेटर चेंज इट टू मनिक बंदोपाध्याय। वो गरीबी से जन्म हुए थे और बहुत ही उसको मुश्किलें झेलनी पड़ी अपनी लाइफ में, जो कि उनको बहुत ही हेल्प किया वो मुश्किलें आगे ग्रो करने के लिए। 1947 के पार्टीशन की, जब हिंदू फैमिली जो लोग अपना घर ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर आए थे इधर वेस्ट बंगाल में, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश हो गया अभी, उस टाइम अभी वो वेस्ट बंगाल पे, उनको रेफ्यूज के लिए जगह नहीं मिल रही क्योंकि जो भी रेफ्यूजी कैंप्स थे वो सब भर्ती हो गए थे और आदमी लोग को जगह नहीं थी सोने को रहने को। तो वो लोग जो भी पब्लिक स्पेस थे वहाँ पे अपना अपना घर बसा के बैठ जा रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं। अभी जो समरी स्टार्ट होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट मलिका से और उसका फैमिली से, जो लोग एक रेलवे प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं। उनके पास एक जगह थी, एक मैट्रेस के बराबर की जगह। मैट्रेस वो होता है वो बिस्तर का जो गद्दा होता है ना, बस उतने से ही जगह में उनका पूरा फैमिली फिट था। जो मलिका का फैमिली में तीन लोग हैं, भूषण जो कि उनका हस्बैंड है जो कि एक फेलियर है और वो फैमिली के लिए कुछ कमा नहीं सक रहा, उसका बेटा जो खोखोन जो कि 2 साल का एक बच्चा है, और उसका उनका भूषण का बहन जो कि आशा है जो अभी विडोड है। विडोड मतलब उसका हस्बैंड मर चुका है। ये फैमिली को पैसे कमाने के एक जरिया चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है खाने को पीने को। तभी एक आदमी, एक टाउट प्रमथा आता है, को अप्रोच करता है और बोलता है कि मेरे पास एक जॉब है आपके लिए, एक वुमेन आपके लिए। मलिका को बोलता है वो प्रमथा। मलिका को रिस्क पता है उसको जॉब का क्योंकि उसको पता है कि अभी वही जॉब मिलेगा प्रोस्टिट्यूशन वाला, लेकिन वो जब अपने बच्चे को देखती है उसका हालत देखती है तो सोचती है कि मुझे ये जॉब लेना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है पैसा कमाने का। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है भूषण वो पैसा कमा नहीं सकता तो मलिका को ही कुछ करना पड़ेगा पैसे के लिए। उसका बेटा का हालत बहुत ही खराब था, उसने कुछ खाना नहीं खाया था, उसका स्किन बहुत ही पतला हो चुका था, अभी हड्डी भी दिखाई दे रहे थे उसके। वो अपने सिस्टर इन लॉ आशा को बोलते हैं कि अगर मेरे बेटे के लिए मेरे को जान भी देना पड़े तो मुझे मंजूर है, अगर उससे उसका बच्चे की जान बच जाती है तो कुछ भी कर सकती है। तभी जो प्रमथा है वो अपने असली रंग दिखा देता है और उसके ऊपर एक एडवांसेस करता है, सेक्सुअल एडवांसेस। तभी मलिका को बहुत ही बुरा लगा। मलिका ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसको प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो प्रमथा है वो भी उसका एडवांटेज ले और उसको वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही शर्मनाक चीज़ है लेकिन उसको उसमें इंडल्ज करना पड़ेगा खुद को अपने बेटे की लाइफ के लिए। लेकिन जो प्रमथा करता है वो उसको भरोसा को तोड़ देता है, उसको धोखे की तरह है। प्रमथा ने एक तरह से धोखा दिया उसको, मलिका को, उसका फायदे उठाने की कोशिश की उसकी मजबूरी का। मलिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे गला दाब के मार देती है प्रमथा को। और जब प्रमथा मर जाता है उसके पॉकेट से मलिका कुछ पैसे निकालती है, पर वही पैसा जो है वो है फाइनल सॉल्यूशन, मतलब आखिरी उपाय, मतलब वही एक उपाय था उसके बच्चे का जीने का। फिर वो बोलती है कि मेरा बेटा कभी भी भूखा नहीं रहेगा और एक दिन में 4 बार दूध पिएगा। उसने जब प्रमथा को मार दिया तो उसका जो गुस्सा तो शांत नहीं होता और उसको बहुत ही पावर करता है। वो बोलती है कि उसने मुझे क्या समझा था, मैं कमजोर हूँ क्योंकि मैं एक वोमेन हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद से मलिका हमेशा एक चाकू लेके घूमना शुरू कर देती है, जब भी मैन से डील करती है तब वो चाकू लेके घूमती है क्योंकि अब वो पार्टीशन के टाइम में चाकू ही एक करेंसी बन गया एक्सचेंज का, जैसे कि एक पैसा होता है ना करेंसी, उसकी जगह चाकू बन गया। वायलेंस इज द आंसर, वो बोलते कि वायलेंस ही बच गया, इंसान और जानवर के बीच का जो अंतर था वो चला गया है और जो भी उसको पछतावा होता था वो अब हट जाता था। उसको कुछ उसका पछतावा उसको ओवरकम कर रहा था उसका बेटे को बचाने का जो।
ये जो टेक्स्ट है, ये जो स्टोरी है वो ओपन माइंडेड है, और जो राइटर है वो किसी को जज नहीं करते हैं, मलिका को भी जज नहीं करते हैं, या फिर उसका ऊपर केस नहीं करते हैं, क्योंकि वो रीडर्स के ऊपर छोड़ देते हैं और बोलते हैं रीडर्स आर फ्री टू जज हर, कि उसने जो एक्शन लिया क्योंकि उसने ये एक्शन उसको मजबूरी में लेना पड़ा ना, इसलिए उसने ये एक्शन लिया क्योंकि अपने बेटी की जान बचाने के लिए। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ग्रो करने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।